नमस्कार एवरीवन. सो वी विल कंटिन्यू द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर वन. नो टुडे आई विल टेक रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना. क्लियर. डिनोमिनेटर मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म. जो डिनोमिनेटर नीचे होता है, जैसे ये हो गया न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. क्लियर. जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर लूँ 2/3, सो दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. क्लियर. तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन यहाँ पे करना है, वो हम कैसे करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो कि पता होने चाहिए. जैसे फर्स्ट, ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड, ए माइनस बी ऑफ स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी ऑफ स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज ए स्क्वायर माइनस बी ऑफ स्क्वायर, विच इज ऑल्सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो इस तरह के कुछ फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पर लगते ही लगते हैं हमेशा. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर में तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 1/√2 प्लस √3, ये आपको गिविन है. क्लियर. अब यहाँ पर इसको ये हो गया न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट हमने क्वेश्चन को लिखा 1/√2 प्लस √3. फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करना है इन्हीं नंबर्स के साथ विथ अपोजिट साइन. तो यहाँ पर ये बीच में प्लस है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी -√2 एंड माइनस दिस. क्लियर. मल्टीप्लाई विथ अपोजिट साइन, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसी नंबर से विथ अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है. जैसे यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गए. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको यहाँ पे जो भी नंबर है, यहाँ वन, जैसे यहाँ वन ही है, टू होता तो हम टू से मल्टीप्लाई कर रहे होते, तो यहाँ पे वन है तो वन को इससे मल्टीप्लाई. फर्स्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, सो ये हो जाएगा √2 माइनस √3. नाउ नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर को कैसे करोगे, 2+√3, 2-√3. अब देखो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो उसका जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए यहाँ पे क्या है, ए जो है यहाँ पर √2 है और बी जो है यहाँ पर √3 है. तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 ऑफ स्क्वायर माइनस √3 ऑफ स्क्वायर, ये हो गया. नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप आपके पास हो जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये आपको पता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2-3 आ जाएगा. स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 ही बचेगा, यहाँ पर 2-3 आ गया. अब आप इसको लिख सकते हैं √2 माइनस √3 अपॉन -1 आएगा. या फिर आप इसको लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में नहीं आता है, इस फॉर्म में नहीं आपको छोड़ना है, तो आप लिख सकते हैं -√2 माइनस √3. ये माइनस जो है ये वाला माइनस वो यहाँ आ जाएगा. क्लियर. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव सॉल्व इन बोर्ड. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, इट मीन सेम नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है विथ अपोजिट साइन. नेक्स्ट स्टेप होगा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना. डिनोमिनेटर में हमेशा ही आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी. तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, रूट से रूट, 2-3 -1 बचा. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नो आई विल टेक अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. √3 प्लस √2, √3 माइनस √2. देखो ये है न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. इस डिनोमिनेटर का आपको रेशनलाइज करना है. सो यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप वही रहेगा कि जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर में नंबर है उसी का सेम नंबर विथ अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है. सो विच इज √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस
2, क्लियर। यहाँ पे इस तरह का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई ये हो गया आपके पास, देखिए यहाँ पे माइनस है, क्लियर, अपोजिट साइन आपको यहाँ पे लेना है, क्लियर। सेकेंड स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा वो एज इट इज नंबर को उतारना है, एंड उसके बाद आपको इस डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया विथ अपोजिट साइन, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ मैंने प्लस कर दिया, क्लियर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, तो इट मीन्स अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 ऑफ होल स्क्वायर, ये दोनों ही सेम नंबर हैं, मैं इन दोनों का स्क्वायर लिख सकती हूँ। एंड डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा अगेन वही a माइनस बी और a प्लस बी, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो विच इज अंडर रूट 3 ऑफ स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ पर लग गया आपकी a प्लस बी ऑफ स्क्वायर, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए a प्लस बी ऑफ स्क्वायर विच इज़ फर्स्ट आइडेंटिटी विच आई रिटन इन द बोर्ड, तो a स्क्वायर अंडर रूट 3 ऑफ स्क्वायर प्लस 2 ए बी एंड बी ऑफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है आपके पास, इन स्क्वायर्स को ओपन करना है, 3 ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 प्लस 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1 ओनली। तो यहाँ पे ऐड 3 एंड 2 विच इज 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 1, एंड यू कैन राइट योर आंसर एज ऑल्सो 5 प्लस 2 रूट 6, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पर अपोजिट जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका अपोजिट साइन से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, एंड उसके बाद न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, यहाँ पे एक और आइडेंटिटी हमने देखा बनी a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ही बनेगी, क्लियर। ए स्क्वायर एक्सपेंड किया इसको, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंडर रूट 6 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 बच जाएगा और नीचे 1 बचेगा, 3 माइनस 2 इज 1, 3 प्लस 2 इज 5 एंड 2 अंडर रूट 6, क्लियर। और यहाँ पे इस आंसर को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। आई होप ये क्वेश्चन, ये मेथड, ये पूरा टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा।